हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। दोस्तों आज हम देखेंगे दो दो ओपनिंग की ट्रैप एक ही वीडियो में। ट्रोम्पोस्की अटैक में एक ट्रैप है, ट्रोम्पोस्की नाम तो सुना होगा आपने, और दूसरा जो है बहुत ही फेमस ओपनिंग है सिसिलियन एक्सेलरेटेड ड्रैगन। ये भी बहुत ही फेमस ओपनिंग है ब्लैक से। तो पहले मैं दिखाता हूँ ट्रोम्पोस्की अटैक फॉर व्हाइट, और दोनों लाइन में आपको व्हाइट की ओर से दोनों ट्रैप सिखाता हूं। शुरू करते हैं d4, ब्लैक प्लेस d5 और सेकंड मूव बिशप g5। दिस इज कॉल्ड ट्रोम्पोस्की अटैक। bg5 आइडिया बिहाइंड दिस मूव, समटाइम्स इट हैपन्स e6 एंड ब्लंडर। तो यहां पे हम e6 को स्टॉप कर रहे हैं, पिनिंग कर रहे हैं। ब्लैक रिप्लाई दे रहा है c6। अब c6 में आइडिया बिहाइंड दिस मूव, क्वीन आउट ऑफ प्ले, क्वीन टू b6, देन ब्लैक कैन प्ले e6, और यहां पे जो क्वीन है डायरेक्ट b2 पे थ्रेट दे रहा है। तो क्वीन b6 में आप सिंपल रिप्लाई दे सकते हैं, जैसे कि e6 के बाद यहां पे व्हाइट e3 और आफ्टर क्वीन b6 यू कैन सिंपली प्ले क्वीन c1 देन c4 और अलग अलग प्लानिंग कर सकते हो। ये पोजीशन व्हाइट की फेवर में ही है। कुछ सरप्राइज मूव होते हैं ब्लैक की ओर से। तो सरप्राइज मूव क्या है, बिशप f5, क्वीन b6 के बजाय ब्लैक बिशप f5 करके पहले बिशप को रनिंग आउट ऑफ करता है और लाइक स्लेव जैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहता है। तो बिशप f5 के रिप्लाई में व्हाइट को खेलना है c4, d takes c5। यहां से शुरू होती है ट्रैप। d takes c5 ब्लैक ने अगर कर दिया तो यहां पे बिशप takes c4। अब यहां ब्लैक को लगता है कि व्हाइट ने ब्लंडर किया है। ये पोजीशन में अगर आपको भी मैं पोजीशन दे दूं तो आप ब्लैक की ओर से सोचोगे तो आपको लगेगा कि व्हाइट ने ये पीस ब्लंडर किया है, बिशप टेक्स नाइट, तो उसके बाद क्वीन चेक और क्वीन टेक्स g5। तो ये एक थ्रेट है और यहाँ पे जानबूझ के हम व्हाइट से खेल रहे ब्लैक को ट्रैप में लेने के लिए। आफ्टर बिशप टेक्स नाइट, रुक टेक्स बिशप, क्वीन टू a5 चेक और सिंपल किंग f1 और क्वीन टेक्स g5। अब यहां सिंपल आपको लगेगा कि ब्लैक पीस अप हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक तो हमारी जाल में फंस रहा है। यहां पे आपको खेलना है क्वीन b3 विथ डबल अटैक ऑन f7 और क्वीन टेक्स g b7। और अगर b7 पॉन दे दिया तो पीछे पीछे आपको रुक भी मिल रहा है। तो सिंपल कोई भी ये पॉन नहीं देगा तो b6 पहले करेगा। तो b6 के रिप्लाई में आपको करना है बिशप टेक्स f7 चेक, किंग d7 और यहां बिशप टेक्स g8। जो पीस आपने दिया था यहां पे वो आपको तुरंत ही वापस मिल गया। अब यहां पे ब्लैक रिप्लाई दे सकता है क्वीन f5 विथ अटैक ऑन रूक, पर एक पॉन सेक्रीफाइस करने के बाद e4 आफ्टर क्वीन टेक्स e4 देन रूक e1। और ये पोजीशन आप देख सकते हो कि टोटली व्हाइट के फेवर में है, क्योंकि व्हाइट के क्वीन, रूक और बिशप तीनों तीन पीस एक्टिव है, और हालांकि ब्लैक का सिर्फ क्वीन प्ले कर रहा है। तो ये गेम व्हाइट से आप आसानी से जीत सकते हो, एक पीस सैक्रिफाइस करने के कुछ ही मूव के बाद आपको उसका पीस वापस मिलता है। दोस्तों दूसरी ट्रैप, अब ये जो जानी मानी ओपनिंग है एक्सेलरेटेड ड्रैगन, उसके सामने आपको कैसा खेलना है ये मैं अभी बताऊंगा आपको। यहां पे देखो e4 सिसिलियन c5 देन नाइट f3, ब्लैक खेलेगा नाइट c6 और यहां पे नाइट c3 क्रॉस सिसिलियन का वेरिएशन है, और g6 ये है एक्सेलरेटेड ड्रैगन। और यहां मैं सजेशन करूंगा, यहां पे नॉर्मली d4 खेला जाता है, पर यहां पे एक सरप्राइज मूव है h4, अग्रेसिव अटैकिंग मूव। h4 के बाद ब्लैक का एक पोजिशनल रिप्लाई है बिशप g7, मोस्ट फेवरेट मूव है। bg7 अगर करता है तो यहाँ पे सिंपल h5 आफ्टर पॉन टेक्स पॉन, सिंपल रुक टेक्स पॉन, टोटली कंट्रोल व्हाइट के हाथ में आ जाएगा। तो ब्लैक अगर रिप्लाई देगा नाइट f6 यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पे h6 के बाद टोटली व्हाइट के फेवर में गेम, क्योंकि बिशप के पास एक ही ऑप्शन है और ये
पूरा स्टार्टिंग पोजीशन में ब्लैक आ जाएगा और व्हाइट के पीसेस डेवलप भी हो जाएंगे, आराम से व्हाइट ये गेम में जीत सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा रिप्लाई बीजी सेवन के अलावा ब्लैक क्या दे सकता है। यहाँ पे नाइट एफ सिक्स आपके पॉन को आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो नाइट एफ सिक्स यहाँ पे सरप्राइज मूव है। ई फाइव, अब आप देख सकते हो कि ब्लैक के पास नाइट जी फोर के अलावा और कोई अच्छा मूव नहीं है, तो नाइट जी फोर। अब ब्लैक सोचेगा कि ये पॉन उसे मिल रहा है, क्योंकि क्वीन ई टू ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आफ्टर बिशप जी सेवन सिंपल व्हाइट विल लॉस्ट द पॉन। लेकिन यहाँ पे व्हाइट का प्लान कोई दूसरा ही है। प्लान क्या है, यहाँ पे नाइट टेक्स नाइट ई फाइव के बाद आपको यहाँ पे खेलना है यहां आपको रिप्लाई देना है एच फाइव। अब देखिए यहां पे नाइट टेक्स जी फाइव, आफ्टर नाइट जी फाइव सिंपल नाइट टेक्स जी फाइव, नाइट टेक्स ई फाइव देन एफ फोर। और यहां आप देख सकते हो कि ब्लैक के नाइट के पास ओनली एक ही जगह है, नाइट सी सिक्स, और नाइट सी सिक्स के बाद सिंपल एच क्रॉस जी सिक्स। ये पॉन पिन है तो एफ क्रॉस जी सिक्स होना चाहिए, और एफ क्रॉस जी सिक्स के बाद एक बेस्ट मूव आप वीडियो पॉज करके सोचिए, मैं बताऊंगा यहाँ पे बिशप डी थ्री। आफ्टर बिशप डी थ्री बिशप टेक्स जी सिक्स की थ्रेट है, तो इसके रिप्लाई में बीजी सेवन फोर्स मूव है, लेकिन रूक एच सेवन सैक्रिफाइस, देन आफ्टर रूक टेक्स एच सेवन एंड बिशप जी सिक्स, और सिंपल आप अपना पीस भी वापस लेते को, और ब्लैक का टोटली कैसलिंग क्लोज हो जाता है। दोस्तों नाइट जी ई फाइव के अलावा और क्या रिप्लाई दे सकता है ब्लैक, ये भी देखते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे नाइट टेक्स पॉन नहीं करता है ब्लैक, देख लेता है कि बिशप डी थ्री वगैरह सब कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे और रिप्लाई है पहले से ही बिशप जी सेवन। तो बीजी सेवन के रिप्लाई में सिंपल आपको खेलना है नाइट जी फाइव, और नाइट पे इनडायरेक्ट अटैक है, तो नाइट जी फाइव के बाद अगर नाइट एच सिक्स जाता है तो ये टोटली व्हाइट की फेवर में है। आफ्टर एफ फोर टोटली यहाँ पे गेम व्हाइट विनिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि ये नाइट कैसी गलत जगह पे पड़ा है और उसका कुछ डेवलप नहीं है, और एच फाइल पे आपका पॉन यहाँ पे प्रेशर दे रहा है, रूक भी प्रेशर में है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है नाइट एच सिक्स के अलावा, समझो कि नाइट टेक्स ई फाइव कर दिया, तो नाइट टेक्स ई फाइव के बाद सिंपल एच क्रॉस जी सिक्स। आफ्टर एच क्रॉस जी सिक्स, देखो एफ क्रॉस जी सिक्स और नाइट क्रॉस जी सिक्स ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रेशर एच सेवन पे है, तो एच जी सिक्स ही सही है। एच सिक्स इसके सामने आपको खेलना है रुक एच एट बिशप टेक्स एच एट, और यहाँ पे एफ फोर, और फिर से ये नाइट ट्रैप हो गया है, मतलब नाइट को अब कोई जगह नहीं है। देखिए सारे स्क्वायर जो है कंट्रोल में है, तो यहाँ पे एक काउंटर अटैक ब्लैक कर सकता है एफ सिक्स, लेकिन आफ्टर नाइट ई फोर ब्लैक के पास एक ही रिप्लाई है नाइट एफ सेवन, अपना नाइट सेव करने के लिए। और यहाँ वीडियो पॉज करके आप बढ़िया मूव ढूंढ सकते हो, मुझे बता सकते हो, मैं बताऊंगा यहाँ पे क्वीन जी फोर, किसी को नहीं मिलेगी ये मूव, क्योंकि सबको डर है कि एफ फाइव या फिर डी फाइव में दोनों तरीके से हमारा पीस लॉस हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आफ्टर एफ फाइव यू कैन प्ले क्वीन टेक्स जी सिक्स, आफ्टर पॉन टेक्स नाइट एंड सिंपली विनिंग द मेट। तो ये एफ फाइव वर्क नहीं करेगा, और यहाँ पे अगर डी फाइव किया तो भी सेम, क्वीन टेक्स जी सिक्स आफ्टर पॉन टेक्स नाइट सिंपल यू विल विन द पीस आफ्टर किंग डी सेवन एंड क्वीन टेक्स नाइट। अब ये प्रेशर में भी है ब्लैक और टोटली गेम व्हाइट के कंट्रोल में है। तो दोस्तों ऐसे ऐसे ट्रैप अगर ये तैयार करके आप खेलोगे अपोनेंट के सामने, बहुत ही मजा आएगा गेम में। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो बहुत सारी नई नई ओपनिंग्स आपको अलग अलग ओपनिंग मेरे वीडियो में मिलती रहेगी चैनल में। जल्द ही मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद जय गुजरात।